केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल मणिपुर की जातीय हिंसा की जांच करेगा। शाह ने यह भी कहा कि हिंसा से जुड़े 6 मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो या CBI द्वारा की जाएंगी। 4 दिवसीय दौरे पर आए शाह ने कहा, केंद्र की मार्गदर्शन में CBI द्वारा जांच की जाएगी। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जांच निष्पक्ष होगी और हिंसा के पीछे के कारणों की जड़ तक जाएंगे। राज्य में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने कहा, उनके बीच में बेहतर समन्वय के लिए एडवाइजर श्री कुलदीप सिंह जी, जो कि रिटायर्ड DG CRPF हैं, उनकी अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था आज से ही हम रचना में लाएंगे, जो सभी एजेंसियों के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, पक्षपात विहीन कोऑर्डिनेशन के लिए इनकी अध्यक्षता में काम होगा। जितने भी केस रजिस्टर किए गए हैं, इसमें से 5 केस चयनित किए गए हैं और 1 केस इन जनरल कॉन्स्पिरसी का रजिस्टर्ड कर ये 6 केसों की जांच CBI का विशेष दल करेगा, जो भारत सरकार के तत्वाधान में किया जाएगा। और मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। एक रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज को भी तैयार किया गया है। जितने भी लोगों का जान गया है, वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि DBT के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। जो इंजर्ड हुए हैं, उन इजाग्रस्तों के लिए, जिनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, उन लोगों के लिए भी एक रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज तय कर लिया गया है, जिसकी डिटेल घोषणा कल भारत सरकार के गृह मंत्रालय से हम करेंगे। मणिपुर की जनता को चीज वस्तुओं की कमी न हो, इसके लिए 30,000 मैट्रिक टन नियत कोटा से एक्स्ट्रा चावल भारत सरकार ने यहां पर भेजा है। वो चावल 15,000 मैट्रिक टन के 2 महीने तक 15,000 मैट्रिक टन भेजा जाएगा। गैस, पेट्रोल और सब्जियों की भी आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है। सारी चीजें ऑन वे हैं और उनके वितरण के लिए सस्ता अनाज की जो दुकान है, इसके अलावे एक अलग से कैंप खोला जाएगा, जहां उनके इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड से भी अनाज मिलेगा और जिनको परचेस कर चाहिए उसको भी मिलेगा। वहां से सब्जियां भी बांटी जाएगी, दवाइयां भी बेची जाएगी और पेट्रोल पंप कुछ चयनित कर दिए गए हैं, लगभग 15 पेट्रोल पंप जो दिन रात खुले रहेंगे, जिससे पेट्रोल की किल्लत यहां पर हो न सके। आवाजाही में आप सभी जानते हैं थोड़ी दिक्कत है, इसलिए खोनसेंग रेलवे स्टेशन अभी पूरा नहीं बना है, मगर लाइन तैयार हो गई है। तो हमने टेम्पररी प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय किया है, जो एक ही सप्ताह में बन जाएगा। तो रेल से भारत के बाकी हिस्सों से मणिपुर की आपूर्ति करने के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा होगी। युद्ध स्तर पर ये प्लेटफॉर्म बनाने की कार्यवाही कल से ही शुरू हो गई है। मैं आशा करता हूं कि 4-5 दिन के अंदर ही हम रेल के माध्यम से यहां आपूर्ति शुरू कर देंगे। तो रेल जब आना शुरू होगी तो चीजों की कमी में बहुत सुधार हो जाएगा। दोनों ओर लोग शिफ्ट हो गए, इसके कारण मेडिकल डॉक्टर की भी असुविधा
विशेषकर कुकी भाइयों के क्षेत्र में हुई है। भारत सरकार ने 8 टीमें, जिसमें 20 डबल ग्रेजुएट डॉक्टर होंगे, वो डॉक्टरों के साथ उनकी टीमें भी होंगी, वो टीमें वहां से रवाना हो चुकी है। 3 टीम पहुंच चुकी है और 5 टीम आज शाम तक यहां रिपोर्ट कर देगी, जो मोरे, चूड़ाचांदपुर और कॉम्पकॉपकी के एरिया में, क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाओं का काम करेगी। और बाद में इम्फाल में भी अगर ये क्राइसिस होती है तो आसाम सरकार के डॉक्टर लाने की भी हमने व्यवस्था की है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और शिक्षा में मणिपुर के विद्यार्थियों को कोई व्यवधान न हो, इसलिए भारत सरकार के शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी आज यहां पहुंच चुके हैं। उनका और मणिपुर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मीटिंग होने के बाद एक कॉन्क्रीट प्लान, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित न हो, उसको हम बनाएंगे, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और डिस्टेंस टीचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। ये सारी व्यवस्था को हम 2 दिन के अंदर एक फाइनल स्वरूप दे देंगे, जिससे बच्चों की शिक्षा में और एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। कोर्ट में मणिपुर के कुछ हिस्सों से आने में तकलीफ है, हम हाईकोर्ट के साथ चर्चा कर रहे हैं, 3 जगह पे वर्चुअल माध्यम से अपीयर हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था की है, करने जा रहे हैं हम। चूड़ाचांदपुर, मोरे और कॉम्पकॉपकी में, जहां से मणिपुर हाईकोर्ट में सीधी अपनी बहस भी कर सकेंगे और हाईकोर्ट लिबरल तरीके से उनको, जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती, डेट भी दे पाएगी, इससे काम करने में काफी सरलता होगी। आवाजाही की सरलता से के लिए ये तीनों क्षेत्रों से एक अस्थाई हेलीकॉप्टर यातायात की व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं, जो सिर्फ 2000 रुपया पर पर्सन के रेट से इन लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़ देगा। और इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम करेंगे। भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा का बाकी खर्चा भारत सरकार और मणिपुर सरकार उठाएगी। जैसे सुदूर क्षेत्रों में आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, ये सभी प्रकार की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए एक जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के गृह विभाग के अधिकारी मणिपुर में उपस्थित रहेंगे और 5 डायरेक्टर स्तर के अधिकारी भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय के यहां पर उपस्थित रहेंगे। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमने म्यांमार और मणिपुर की बॉर्डर पर पहले ही ट्रायल बेस पर 10 किलोमीटर बार्ड लगाने का, फेंसिंग करने का काम हमने पूरा कर लिया है और 80 किलोमीटर के काम को हमने टेंडरिंग कर चुके हैं और बाकी की बॉर्डर की हम सर्वे भी चालू कर रहे हैं। और पड़ोस के देश से आने वाले लोगों की बायोमेट्रिक्स और आई इम्प्रेशन लेने का भी काम चालू है, जिससे आने वाले दिनों में उकसावे से यहां पर हिंसा न हो। मेरी सभी मणिपुर वासियों से अपील है,